राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको डरने की क्या जरूरत है? अगर कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया है और तो डरने की क्या जरूरत है? किसी भी व्यक्ति को सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी हो, उसे डरने की क्या जरूरत है? अगर अच्छा काम किए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं की है अपने जीवन में, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ये आशंका जाहिर की थी कि हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई की टीम लग सकती है, हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर सकती है। अब इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी साफ छवि के नेता हैं तो फिर ईडी और सीबीआई से वो क्यों डर रहे हैं। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, उनको ईडी और सीबीआई से नहीं डरना चाहिए। वहीं उन्होंने आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर भी कहा कि हमारी सरकार अभी देख रही है, नीतीश कुमार इन सभी मसले को देख रहे हैं और उचित फैसला लेंगे। क्या कुछ कहना है श्रवण कुमार का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको डरने की क्या जरूरत है? अगर कुछ इन्होंने कुछ नहीं किया है और तो डरने की क्या जरूरत है? किसी भी व्यक्ति को सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी हो, उसे डरने की क्या जरूरत है? अगर अच्छा काम किए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं की है अपने जीवन में, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इधर देखिए समीक्षा करके उसको पूरी तरह से कसौटी पर कस करके उस पर निर्णय लिया उन्होंने, और माननीय उच्च न्यायालय का कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन है, उसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। आशान्वित हैं कि बिहार की जनता का हित नहीं होगा और बिहार की सरकार ने जो किया है बिहार की जनता के हित में किया था, उस पर अभी भी भरोसा है न्यायालय पर कि ठीक ढंग से काम होगा। बिहार में अपराधी घटनाएं लगातार घट रही है, इतने बड़े नेता उनके पिता का हत्या हो जाता है। घटनाएं हो रही है, दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम होगा, लेकिन आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो, उसके पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है, सरकार ने समीक्षा किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी समीक्षा किया है, और आगे इस तरह की घटना नहीं हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिष्ठित। स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी लगाया गया, अब जीएसटी लगा है, देखे नहीं है, देखेंगे तो बताएंगे।